नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र। मैं आप सबको आज कुछ नई जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन हम पहले बात करेंगे बर्तनों की। तो हमारे घर में जो है आज मुख्य तौर पर, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं बर्तन टूट ना जाएं, तो हम लोगों ने अपने घर में सारे बर्तन ये प्लास्टिक के लेके आ गए हैं। और सबसे मुख्य तौर पर है, जब भी हम पानी पीने के लिए कहीं जाते हैं, घर में बैग में हमारे ये प्लास्टिक की बॉटल ही होती है, क्योंकि इस प्लास्टिक की बोतल को टूटने का डर नहीं होता। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जो ये प्लास्टिक की बोतल है, अगर हमने मान लीजिए गाड़ी में ये बोतल रख दी, और ये जब गर्मी से इसके अंदर के जो तत्व हैं हमारे, इसके अंदर जो भी है, आपने कुछ भी पीने के लिए रखा है, पानी अगर पीने के लिए रखा है, उसमें वो तत्व मिल जाते हैं और आगे जाके वो कैंसर करने के कारण बहुत बड़ा कारण बनता है। तो आप सबसे ये निवेदन है कि ये प्लास्टिक की बोतल छोड़कर हमको क्या प्रयोग करना चाहिए। हमको प्रयोग करनी चाहिए ये मिट्टी की बोतल। ये मिट्टी की बोतल जो है, ये हम अपनी गाड़ी में और सब जगह हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक तो गर्मियों में या कभी भी ये मिट्टी की बोतल पानी को ठंडा रखेगी। मिट्टी के जो गुण है, 18 पोषक तत्व हैं, वो आपको मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि ये प्लास्टिक की बोतल क्यों लगाई, ये प्लास्टिक का ढक्कन क्यों लगाया। ये प्लास्टिक का ढक्कन इसलिए लगाया क्योंकि बाकी कोई चीज़ इस पर कामयाब हो नहीं पा रही थी। कहीं सफ़र में भी आप ले जाना चाहें तो आपको 10 बार सोचना पड़ता था, तो ये लीक प्रूफ हो जाता है इससे। तो ये आप सिर्फ ये ऊपर ढकने के लिए है, इस पे आपके उसके देखिए ये ऊपर ही ऊपर है, तो गुण आपका कोई भी प्लास्टिक का गुण इसमें पानी में नहीं आता है। तो ये मिट्टी की बोतल में क्या गुण है कि इसमें बोतल भी क्यों, आप जो भोजन बनाते हैं तो ये मिट्टी के सिर्फ बोतल तक सीमित नहीं रहना है। आपको हांडी, आपको जो सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, आपको चावल बनाने हैं, वो सब मिट्टी में करें तो आप देखेंगे कि डायबिटीज़, जितने भी सांस के रोग हैं, जो एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो खाना बनाते हैं, वो सब के सब जो रोग हैं, वो एल्यूमिनियम जो सांस के रोग, मतलब फेफड़े के रोग, दमा, ये आपका ब्रोंकाइटिस, खांसी, ये सब जो परेशानियां हैं, जो दिल्ली जैसे शहर में, जो महानगरों में जो वायु दूषित है, उसको भी अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने घर में मिट्टी की बोतल या मिट्टी के जो बर्तन हैं वो प्रयोग करना शुरू करिए, तो ये बहुत अद्भुत काम करेगी आपके सारी बीमारियों के लिए और डायबिटीज़ के लिए विशेषकर। तो हम चाहेंगे कि आपको भी और भी हम बर्तन दिखाते हैं जिसमें मिट्टी के क्या क्या बर्तन हो सकते हैं जो अपने घर में आप प्रयोग करें। और बड़ी बात क्या है, ये जब आप बर्तन लेंगे तो ये जो हमारे देश के कुम्हार हैं, जिन्हें आज अपनी रोजी रोटी की चिंता है कि अगर हम ये मिट्टी के बर्तनों में केवल ये हैंडीक्राफ्ट के रूप में रह गए हैं, उनको घर घर कैसे लेके जाया जाए। सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं है मिट्टी, ये आपके घर में रोज़ प्रयोग करने वाली चीज़ है। और मैं अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि मिट्टी के बर्तन प्रयोग करने से जो मानस बनता है आपका, वो मानस बनता है सावधानी पूर्वक कार्य करने का। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को रखने का एक तरीका होता है, उसको साफ करने का एक तरीका होता है, उसमें खाना बनाने का एक तरीका होता है, आप ऐसे ही उसको लापरवाह तरीके से नहीं फेंक सकते। तो इससे क्या होता है, जब आप सावधानी पूर्वक चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर मानस बनता है सावधानी पूर्वक कार्य करने का, सावधानी पूर्वक कार्य करने का। लेकिन जब प्लास्टिक की बोतल होती है या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उसको बेतरतीब तरीके से आपको रखने की, उठाने की, धोने की आदत पड़ जाती है, तो आप में लापरवाही का मानस बनता है। ये भी मिट्टी के बर्तनों की बहुत बड़ी खासियत है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो अपने आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी की बनी हुई। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ये मिट्टी का जग है जिसमें आप पानी भर के अपने ऑफिस की टेबल पे या घर में आप रख सकते हैं। आपको मिट्टी के वो जो फ्रिज में हम प्लास्टिक की बोतल रख के जो हम पानी पीते हैं वो बहुत ख़तरनाक है, तो उसकी जगह आप अपने जग में रखिए। इसमें शीतल रहेगा पानी, पीने लायक बहुत अच्छा शीतल रहेगा, चिल्ड पानी नहीं होगा। फिर ये एक जिसको हम बोलते हैं पानी का ठंडा रखने का जग है, जिसको हम आजकल प्लास्टिक का ही सारा होता है वो, तो उसकी जगह आप ये मिट्टी का बना हुआ है पूर्णतया से, इसको आप प्रयोग करें। इसमें केवल एक प्लास्टिक का जो है ये टूटी लगी हुई है जिसको पानी पे कोई प्रभाव नहीं डालती है। फिर ये आपको घर में अगर जैसे मग होते हैं तो मग की दूध पीना है आपको, छाछ पीनी है, कुछ भी पीना है, तो आप इसके अंदर आप पी सकते हैं। ये आपका मिट्टी का गिलास की तरह आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों को, अपने अतिथियों को आप जो है विष जहर भरी चीज़ों में मत पिलाइए, वो देवता का रूप होता है, उसको अमृत जैसी मिट्टी के अंदर आप जो है, क्योंकि मिट्टी पवित्र होती है और पवित्र चीज़ में ही देवता को जो है वो भोजन कराया जाता है, अतिथ्य किया जाता है, तो अतिथि देवो भव की भावना को जो है वो मिट्टी ही सार्थक करती है। अभी जो मिट्टी के बर्तनों में जो भोजन करने की मैं बात कह रहा था, ये उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में ये भोजन है, और अभी इनमें जो जब भोजन बना है वो भी मिट्टी के बर्तनों में बना है, और हम जो खा रहे हैं वो भी मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं। तो अब जो है इसका 4 गुना प्रभाव बढ़ चुका है,